वेलकम स्टूडेंट्स, बेटा आप सब लोगों का फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। टेंथ के एग्ज़ाम ख़त्म, रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन क्लासेस पहले लगानी पड़ती होती हैं। तो बेटा आप लोगों ने शायद डिसाइड कर लिया होगा कि यू आर गोइंग फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो अगर मेडिकल और नॉन मेडिकल आपने डिसाइड कर लिया तो आपको अभी से फिर रिजल्ट आने का वेट नहीं करना, पहले से ही अपनी प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, स्टार्टिंग से ही कवर करना पड़ता है। तो बेटा चाहे आप मेडिकल में हो चाहे आप नॉन मेडिकल में हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी रहेगी। एंड आई विल टेक फिजिक्स, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो जी अगर डिसाइड कर ही लिया कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल की ओर जा रहे हो, तो ये भी डिसाइड कर लो कि फुल मेहनत करेंगे, क्योंकि बेटा अगर फुल मेहनत करेंगे तभी प्रॉपर बात बनेगी, तभी आप बोर्ड एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लोगे। ओके, तो स्टार्टिंग में बेटा फर्स्ट डे हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रखेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं फिजिक्स वगैरह की। उसके बाद फिजिक्स आपकी मेन दो तीन दिन बाद स्टार्ट होगी। फिजिक्स जो मेनली है ना, वो दो तीन दिन बाद ही स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में हम आपको थोड़ी सी मैथ्स कराएंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स के बिना आगे नहीं बढ़ पाती है। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथ्स के कंसेप्ट वैसे ही कर ही लेंगे, लेकिन वो भी आते आते करेंगे ना, हमें कई चीज़ों की अभी ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हमें स्पेशली फिर कुछ मैथ्स करानी ही पड़ती है। तो अभी फिलहाल चाहे मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, फर्स्ट वन और टू डेज बेटा वी आर गोइंग टू डील विद मैथ्स। ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपको बताएंगे, फिर एक दो दिन बाद फिजिक्स का पोर्शन आपका प्रॉपर फ्लो में आता होता है या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप टेंथ क्लास में, इन टेंथ क्लास क्या पढ़कर आए? साइंस। अब साइंस का पोर्शन आपको पता है थ्री पार्ट्स में होती थी, कुछ पोर्शन उसमें फिजिक्स का आ जाता था, कुछ केमिस्ट्री और कुछ हिस्सा बायोलॉजी का आ जाता है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर ली तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो प्लस टू तक पढ़नी पड़ेगी, बायो और मैथ्स में फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा, उसके हिसाब से मेडिकल और नॉन मेडिकल हो जाएगा, वो पता ही आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा साइंस काफी वास्ट है, फिजिक्स आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट्स। अब वैसे अगर फर्स्ट डे थोड़ी सी ये बात कर दें कि व्हाट इज फिजिक्स, तो कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ नेचर या कह लो स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। बेटा फिजिकल वर्ल्ड यानी द वर्ल्ड अराउंड अस। तो यार फिजिक्स बेसिकली क्या है? द स्टडी ऑफ नेचर या द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, मोशन, लाइट, विंड्स, एनर्जी, ये सब चीजें फिजिक्स के अंडर आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी, जो भी अपने आसपास देखोगे ना, वो सब कुछ किसके अंडर चल रहा है? फिजिक्स के
अंडर चल रहे हैं। तो बेटा स्टार्टिंग के पूरे लेक्चर की मैं एक बार आउटलाइन बना दूं कि आज के लेक्चर में हमने कवर अप क्या क्या करना है। आउटलाइन में मैंने बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो चलो फिजिक्स की इंट्रोडक्शन कवर करेंगे हम, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे, और इसके अंदर जो चैप्टर आता है उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल। तो बेसिकली जो आज का मेन टारगेट अपना मैथमेटिकल टूल रहेगा, लेकिन मैथमेटिकल टूल से पहले थोड़ी सी चलो पहला दिन है फिजिक्स पढ़ने आए हो तो फिजिक्स की इंट्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं हम। तो फिजिक्स क्या है बेटा, इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड यानी स्टडी ऑफ नेचर। अब अगली बात आप कह सकते हो कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड की ही बात करूं कि थोड़ा सा हम आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अगर डील कराएं तो कुछ नहीं है बेटा, ये जो अभी चल रहा है स्टार्टिंग का चल रहा है 10-15 मिनट का जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो ये बेटा जी एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट डे आए हो इंट्रोडक्शन तो चाहिए चाहिए ना। एग्जाम में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज फिजिक्स। अब 11th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला व्हाट इज फिजिक्स, आप फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हो। तो पहले 10 मिनट इंट्रोडक्टरी है, एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आएगा, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, बुक्स में आपके दे रखी होती है चीजें। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इट इज स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम कहें कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप स्कोप मतलब क्या क्या पढ़ सकते हो आप फिजिक्स में, तो कहते हैं यार फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी 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 वाइड, बहुत ज्यादा स्कोप है फिजिक्स का। अगर हम न्यूक्लियस या बेटा एटम की बात करने लग जाएं तो भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करने लग जाएं तो भी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं समझ लो। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो बहुत 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 यार एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अगर हम न्यूक्लियस और उसके अंदर वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हो तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में भी आता है फिजिक्स में भी आता है। तो यानी फिजिक्स में इतने माइक्रो लेवल पे जाके भी बात करते हो, और अगर आप होल यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हो तो भी क्या कर रहे हो, फिजिक्स ही पढ़ रहे हो। तो फिजिक्स की रेंज बहुत जबरदस्त है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टडी से लेके पूरे यूनिवर्स की स्टडी तक किसके अंदर आ जाती है, फिजिक्स के अंदर आ जाती है। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत वाइड है। फिर कहते हैं फिजिक्स की खास बात क्या है, फिजिक्स में ऐसी क्या खास बात है। तो यहां पर कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल द साइंसेस, जितनी भी साइंसेस है ना, आउट ऑफ ऑल द साइंसेस फिजिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड लॉजिकल वन। कहते फिजिक्स सारी ब्रांचेस में से फिजिक्स सबसे ज्यादा लॉजिकल और सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। अब देखो हर कोई अपनी अपनी तारीफ करता है, केमिस्ट्री वाला कहेगा सबसे ज्यादा बढ़िया केमिस्ट्री ही है। अब ठीक है केमिस्ट्री के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बिना भी काम नहीं चलता। बायो वाले कहेंगे जी बायोलॉजी जो है उससे बढ़िया कोई भी नहीं है, सबसे बढ़िया साइंस तो बायोलॉजी है। तो अब उनकी बात भी सही हो सकती है कि बायो के बिना क्या काम चल रहे हैं क्या। ऐसे हम फिजिक्स वाले हैं तो हम तो कहेंगे सबसे बेस्ट क्या है, फिजिक्स ही है, फिजिक्स के बिना वैसे ही काम नहीं चलेगा। अगर फिजिक्स ना हो तो लाइट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कैमरे नहीं होंगी, तो रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगेंगी, सब किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। तो वो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हम कहते हैं कि फिजिक्स इज मोस्ट एक्यूरेट साइंस, क्योंकि सारी फिजिक्स जो है ना वो
मेजरमेंट पे बेस्ड है जी। बिना मेजरमेंट के हम कोई बात यहां पर करते नहीं है। अगर मेजर करके करेंगे तो एक्यूरेसी तो आ ही जाएगी। तो बेटा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में अभी फिलहाल इतना ही। हम फिजिक्स पे बाद में आएंगे, क्योंकि फिजिक्स को ढंग से देखने के लिए हमें पहले मैथ्स की थोड़ी सी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब मैथमेटिकल टूल्स, जिस आप बेटा जिस भी बुक को खोलोगे, यू ओपन एनी बुक, जो मर्जी प्लस वन की बुक जो होगी, उसमें चैप्टर नंबर वन होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, करेंगे हम उसको स्टार्ट। अभी चैप्टर का नाम कुछ नहीं लिखा हमने, अभी तो हमने लिखा फिजिक्स लेक्चर वन। तो चैप्टर वन होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट सिलेबस के हिसाब से, सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। लेकिन हर बुक में चैप्टर वन से पहले चैप्टर जीरो आता है, मैथमेटिकल टूल्स। हर बुक में उन्होंने पहले मैथमेटिकल टूल दिया होता है। वो कहता है फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिक्स पढ़ लो थोड़ी बहुत। तो यार हम भी ऐसे करेंगे ना। अब उन्होंने हर बुक वाले ने दे रखा है तो कुछ लॉजिक के साथ ही दे रखा होगा। अब हम भी उस लॉजिक को फॉलो करेंगे। हमें भी पता है बिना मैथमेटिकल टूल के फिजिक्स तो आपकी चलने वाली है नहीं है। तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल टूल्स। इंट्रोडक्शन ठीक है, हो गई अपनी थोड़ी बहुत जो हमने करनी थी। कि अब आप आए हो फिजिक्स पढ़ने तो फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा यार गलत क्लास में आ गए, मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। जो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट आएगा उसको तो वैसे ही नहीं पता लगेगा कि फिजिक्स की क्लास चल रही है कि मैथ्स की क्लास चल रही है, क्योंकि एक दो दिन अभी मैथ्स की लगेगी आपको। तो हमने थोड़ी सी इतनी सी बात कर ली, ये इंट्रोडक्शन सारी दोबारा आएगी। हम सीधा किस पे जा रहे हैं, आपके चैप्टर जीरो पर। हर बुक में चैप्टर जीरो होता है, हर बुक में। उसका नाम होता है मैथमेटिकल टूल्स। तो हमने भी आपको क्या स्टार्ट कर दिया, मैथमेटिकल टूल्स। अब फिर वही बात, मैथमेटिकल टूल्स के कंसेप्ट में से एग्जाम में आपकी 11th में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। मैंने बोला इस पे भी, ये जो इंट्रोडक्शन है व्हाट इज फिजिक्स, ये वो ये, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा और इसके बिना काम भी चल जाएगा। कि अब फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। अब ठीक है, ये तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा। अब मैथमेटिकल टूल में से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो हमें मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है थोड़ी बहुत हुई, उसके बाद हम सीधा अपने पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। तो पहली हेडिंग ही आपकी है मैथमेटिकल टूल्स। ओके जी। अब बेटा मैथमेटिकल टूल्स में जो भी होगा ये समझ लो हमने आपको सिखाना है, आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो भी सिखाया जाएगा वो आपको वाकई ही रियली आना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल टूल की, अब मैथमेटिकल वर्ड तो मैथ से आ गया, टूल का मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको आपके टास्क में हेल्प करे और आपके टास्क को इजी कर दे। टूल सुना होगा तुमने, टूल्स जो होते हैं ना, जैसे स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ओके, ये सब चीजें, स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, रेंच हो गया, ये सब चीजें क्या मानी जाती हैं, टूल्स मानी जाती हैं। हर एक के अपने अपने टूल्स होते हैं। अब जो एक मैकेनिक है उसके अपने टूल्स हैं, वो लकड़ी का काम करने वाले का एक लकड़ी काटने वाली आरी हो गई, रंदा हो गया, छैनी हो गई, ये उसके टूल्स हैं। ओके, अगर कोई पेंटर है तो पेंट ब्रश और उससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो उसके टूल्स हो गए। हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं ये हमारा टूल हो गया, बेसिकली हमारी जेब में होता ही होता है। तो टूल मतलब आपके पास जो डिवाइस है जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला और जिससे आपका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आपका काम डिफिकल्ट हो जाएगा, देर भी ज्यादा लगेगी, काम बढ़िया भी नहीं होगा। अगर मान लो कहीं आपने स्क्रू ही खोलना है और स्क्रू टाइट करके किसी ने लगा रखा है,
अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो कुछ नहीं, आपने दो चार बार घुमाना है, स्क्रू खुल जाना है। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो उखाड़ते रहो उसको, वो उखड़ेगा नहीं। अगर उखड़ भी जाएगा तो खुद भी खराब होगा, दीवार को भी खराब करेगा। तो बेटा टूल मीन्स वो चीज जिसके बिना आपका काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और जिसके होने से आपका काम बहुत ईजी आ जाएगा। तो हम यहां पे मैथ्स को एज ए मैथ्स नहीं पढ़ने जा रहे, फुल डिटेल में मैथ्स नहीं पढ़नी। फिजिक्स में हम मैथ्स को एज अ मैथमेटिकल टूल पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें इतनी मैथ्स की नॉलेज होनी हो जाएगी तो अपनी फिजिक्स, फिजिक्स विल बिकम ईजी। तो मैथमेटिकल को, मैथमेटिक्स को हम यहां पे एज ए टूल पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें ये आता होगा तो हमारे फिजिक्स का भी पूरा का पूरा काम एंड बढ़िया प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। कुछ मैथ्स आपको वैसी आती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा, वो आपको वैसी आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीजें जो है, अब इसका फिजिक्स में भी कई जगह पर यूज होता रहेगा ना। तो वी कैन यूज एलजेब्रा एज ए मैथमेटिकल टूल। अच्छा वो टेंथ लेवल की बात है, आपको आता है, अब मैं यहां थोड़ी पढ़ाऊंगा एलजेब्रा टेंथ लेवल तक का, वो वैसे ही आपको आता है, वो यूज होता रहेगा। ओके, उसके अलावा कुछ फिर एक ना मेंसुरेशन के कंसेप्ट होते हैं, पढ़ी होगी आपने, एरिया वेरिया निकालना, एरिया वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम, स्फेयर की वॉल्यूम, स्फेयर का सरफेस एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है, ये भी टेंथ तक पढ़ा हुआ है, ये भी हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक आएगा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री भी बेटा आपने टेंथ क्लास में पढ़ी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ी हुई है वो बहुत काम आएगी, जो टेंथ वाली है उसको हम रिपीट ज्यादा नहीं कराएंगे। लेकिन बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए कंसेप्ट है वो फिर आपको सिखाने पड़ेंगे। अपना आज का टारगेट ट्रिग्नोमेट्री है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री ही टेकअप करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, बहुत, ये तो आएंगी आएंगी यार, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन ये आती हैं ये हम टेकअप नहीं करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ आती है, कुछ हम सिखा देंगे आपको थोड़ी बहुत ही, और डिटेल में आपको आपके मैथ्स वाले टीचर सिखा देंगे। अब उतनी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना करा देंगे कि फिजिक्स में जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना ट्रिग्नोमेट्री की, वहां वहां उतना काम आपको करवा देंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्री है हमारा, ये आज का टारगेट है, फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री टेकअप करने जा रहे हैं हम थोड़ी बहुत ही। उसके बाद बेटा एक आएगा कंसेप्ट किसका, डिफ्रेंशिएशन। देन एक टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन, और फिर एक कंसेप्ट आएगा लॉग का, लॉगरिथम, एंड देन कंसेप्ट ऑफ, लॉग के बाद एक रह गया था आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो ये नहीं है कि खत्म हो गया, हो सकता है और भी बहुत सी चीजें हों, लेकिन इससे अपना काम ठीक ठाक चल जाता है। अब बेटा मैं मैथमेटिकल टूल, आपकी बुक्स जो होती है ना, बुक्स में उसमें सारे मैथमेटिकल टूल के कंसेप्ट ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, बाइनोमियल इकट्ठे दिए होते हैं, मैं इकट्ठे नहीं कराऊंगा, इकट्ठे करा दूंगा वो भूल जाओगे सारे। जहां जहां जिस चीज की जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे कराऊंगा। धीरे धीरे हमने स्टार्ट करा दिया, ये मैंने बोला आपने किया ही हुआ है, ये भी कर रखा है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं मोशन वाला जो चैप्टर है उससे पहले कराऊंगा, क्योंकि अभी करा दिया जब तक मोशन आएगा तब तक वैसे ही भूल जाओगे, दोबारा कराना पड़ेगा। लॉग जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब समझाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम भी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तभी समझा देंगे। अब एक ही बार में सारे समझा दूंगा भूल जाओगे सब कुछ, एक एक करके टेकअप करते रहेंगे। ओके जी, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ रहे हैं, एक दिन में कवर अप शायद हो ही जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मोशन से पहले कराऊंगा, लॉगरिथम बीच में जहां जरूरत पड़ गई वहां पे समझा दूंगा,
बाइनोमियल की भी जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पर आपको समझा दिया जाएगा। तो अगली हेडिंग डाल लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री। अगली जो आपकी हेडिंग रहेगी फिर मैथमेटिकल टूल्स में, किस पे आ गए हम? ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए। तो एक एक कर कर हम टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपनी हेडिंग आ गई नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री जी। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री पता ही आपको, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? एक राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। ओके, अब राइट ट्रायंगल में इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इस एंगल को क्या मानते होते हैं हम? थीटा मानते होते हैं। ओके जी, अब इसको थीटा मान लिया। अब यहां पर आपको पता ही है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये चीजें पता ही हैं। ओके, अब इसमें तो क्या बताना है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सेट्रा, ये पता है तुम्हें, ये कर लोगे। टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री चाहिए चाहिए वो कर लोगे, पता होनी चाहिए। ओके, एक टेंथ क्लास तक, फिर आपको वो साइन की, कॉस की, टेन की, जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच की जो वैल्यूज होती हैं वो याद होनी चाहिए, कभी भी काम आएंगी, याद ही होंगी। साइन जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू, साइन 30, कॉस 30, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी हम, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बोलूंगा। तो ये पता है बेसिक कंसेप्ट, टेंथ वाले तो चाहिए ही चाहिए। आइडेंटिटीज चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, जो भी आपने पढ़ी हुई है। ओके, तो वो तो चाहिए बेटा, जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब एडिशनल चीजें जो हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले हमें एंगल का कंसेप्ट आ रहा है, एंगल का। ओके, अकेला साइन कुछ नहीं है, अकेला साइन अधूरा है, उसके साथ जब तक एंगल नहीं लगेगा, साइन थीटा नहीं लगेगा, तब तक कोई बात नहीं बनती है। तो अकेला एंगल, सॉरी, अकेला एंगल तो चल जाएगा, अगर सिर्फ लिखा हुआ है साइन तो बेटा मीनिंगलेस बात है। साइन के साथ क्या लगाना पड़ेगा? थीटा लगाना ही पड़ेगा, थीटा साइन के साथ लगेगा ही लगेगा। तो हम स्टार्ट कहां से करने जा रहे हैं? फिर थीटा से ही स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक अप कि अब ये थीटा क्या है, रीटा तो सुनी थी, अब ये थीटा कौन है? तो थीटा किसको कहते हैं जी? एंगल को कहते हैं। अब एंगल भी आपको पता ही है, किसी भी दो लाइंस के बीच का, रेज के बीच का जो भी मार्किंग बनती है, दैट इज नोन एज एंगल। इसको हम क्या कह रहे थे? एंगल। अब एंगल की भाई जो बात करते हैं, सबसे पहली बात एंगल की बेटा क्या पता होनी चाहिए? यूनिट पता होनी चाहिए। अब जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं दैट इज डिग्री। किससे नोट करते हैं इसको? छोटे से डॉट से नोट करते हैं, जैसे मैंने लिखा 90 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है। ओके, अब अगली बात यार, एंगल जो है डिग्री से छोटा भी होता होगा, जैसे 1 डिग्री है, अब 1 डिग्री से छोटा भी होता होगा ना, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री तो हो गया, 1 डिग्री से छोटा, जैसे टाइम है, टाइम हो गया 1 आवर, आवर्स में बोलोगे तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, लेकिन 1 आवर से छोटा हो जाएगा तो उसको मिनट्स में बोलते हैं। 1 मिनट तक पहुंच गए, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 मिनट से भी छोटा होगा तो उसको सेकेंड्स बोलते हैं, सेकेंड से छोटा होगा उसको मिली सेकेंड वगैरह, ऐसी मीटर से छोटी वैल्यू चले जाए तो सेंटीमीटर आते हैं, सेंटीमीटर से नीचे मिलीमीटर आते हैं। ऐसे ही बेटा जो एंगल है उसकी यूनिट तो क्या यूज करते हो आप? डिग्री यूनिट
डिग्री यूज करते हो, लेकिन डिग्री से भी छोटी यूनिट होती होगी ना। तो अगर कहीं लिखा हुआ 1 डिग्री, अब इससे भी छोटी यूनिट अगर लेनी है तो एंगल की जो डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड मिनट। अब टाइम की भी यूनिट को मिनट कहते हैं, इसकी भी यूनिट को मिनट कहते हैं। अब है मिनट इसकी यूनिट, ओके मिनट। 1 डिग्री, डिग्री की यूनिट मीटर मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो डैश एक डैश लगेगा ये किसका सिंबल है जी? मिनट का, मिनट का। ये डॉट किसका है? डिग्री का। 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दो तो मिनट्स में आएगा एंगल। एंगल किस में आ जाएगा? मिनट्स में। अब मिनट से भी छोटी जो यूनिट होती है मिनट्स, डिग्री से छोटी यूनिट क्या हो गई? मिनट। इसको डिनोट किससे करते हैं? ये डैश से। अब इससे भी छोटी यूनिट होती है यार जिसको हम कहते हैं सेकेंड्स। टाइम से कंफ्यूज मत होना, अब होती है तो भाई होती है। इसको 2 डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो मेन यूनिट थी वो आपकी क्या थी? इट वॉज डिग्री। इसको 0 से डिनोट करते हैं, इसको 1 डैश से, इसको 2 डैश से। जैसे एक्स डिग्री है, ये एक्स मिनट है, ये एक्स सेकेंड। 1 डिग्री में 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइम की यूनिट के साथ आमतौर पे यूज होगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट और सेकेंड एंगल की छोटी यूनिट है। अगर एंगल प्रॉपर बड़े ही हैं, नॉर्मल हैं, तो उनको डिग्री में मेजर करते हैं। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटे हो जाएं, दे आर मेजर्ड इन सेकेंड्स और मिनट्स। ओके, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाली यूनिट होती है डिग्री, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना एंगल की, डिग्री नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे जिसको क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स कहते हैं। कौन सी यूनिट भाई? एसआई यूनिट्स। अब लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, सारी होती है। लेकिन हम इन सबको स्टैंडर्ड नहीं मानते। स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? मीटर को ही मानते हैं। ऐसी जो मास है उसकी यूनिट ग्राम भी होती है, टन भी होती है, क्विंटल भी होती है, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किसको मानते हैं? केजी को ही मानते हैं। जस्ट लाइक दैट, एंगल की जो एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। बेटा जी, एंगल की जो एस आई यूनिट है वो क्या होती है? रेडियन होती है। रेडियन किससे इसको डिनोट करना है? आरडी से। याद रखना, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। याद रखना है, रेडियन। ओके, ये मान लो कोई सर्कल है, ये इसका कुछ रेडियस है। ओके, आपको इतना तो छोटी क्लासेस में पता होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो लेंथ है इसको क्या कहते होते हैं? लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। एल से नोट कर लो, इट इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क। और ये भी सबको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। थीटा किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, या थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर आर्क, या फिर एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा इंटू आर। अब ये चीज भी पता ही होगी, काम आएगी। तो एक हमें ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए पता? रेडियन। अब यहां पर आओ वापस, मैंने बोला यार लेंथ की जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, लेकिन यूज तो सेंटीमीटर भी करनी पड़ती है।
यूज तो किलोमीटर भी करनी पड़ती है। अब जा बीच में जो रिलेशन है ना बेटा डिग्री और रेडियन में, वो ध्यान से नोट करना कि कहते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या याद करना है? 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। अब यहां पे पाई वही तुम्हारा 3.14 पाई बेटा, वही पाई तुम्हें पता होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, या पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। तो 360 डिग्री का मतलब कितने रेडियन भाई, 2 × π रेडियन। बात को समझो, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। क्या बोला मैंने, 360 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, 2 × π रेडियन। या कह सकते हो 180 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब एंगल पाई रेडियन माना जाएगा, पाई रेडियन। पाई का मतलब 3.14, पाई की वैल्यू भरनी है रेडियन। ओके, या यहां से क्या कर सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14, क्योंकि 180 डिग्री 3.14 रेडियन के इक्वल है ना, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3.14। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय 3.14, इसको भैया सॉल्व करोगे तो ये 57.3 आ जाएगा, 57.3 डिग्री। तो याद रखना 1 रेडियन काफी बड़ी यूनिट होती है एंगल की, 1 रेडियन का मतलब 57.3 डिग्री। मान लो ये सर्कल है, इसका अगर मैं पूरा चक्कर काट लेता हूं, पूरा कंप्लीट राउंड काट लिया इसका अगर, तो समझ जाना कंप्लीट राउंड कटने का मतलब कि कितना एंगल चला है 360 डिग्री, या कितना चला है 2 पाई रेडियन। अगर हाफ राउंड कटे तो इसका मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। अब ये चीजें याद रखनी होंगी बेटा, आपको ये पता होना चाहिए 1 रेडियन मतलब कितने डिग्री, 57.3 डिग्री। ओके जी, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। अब यहां पर अगर मैं कन्वर्जन कर दूं कॉमन से एंगल, जो कॉमन एंगल आप यूज करते हो, अब यूज करते हो 0 डिग्री, या यूज करते हो 30 डिग्री, या यूज करते हो 60 डिग्री, या फिर 60 के बाद कौन सा यूज कर लेते हो, एक बीच में 45 रहेगा ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, ये कॉमन से आपने एंगल यूज किए हुए हैं। बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। 180 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। बड़ा यूज होगा ये पाई बाय 2, पाई बाय बोलेगा एंगल इज पाई बाय 2, तो आपको समझना है पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। कल वो बोलेगा साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बता, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू मतलब वो साइन 90 डिग्री की वैल्यू मांग रहा है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो अगर वो कह रहा है साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बता तो मतलब 1। वो कहता है कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू बता, अब कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू मतलब क्या मांग रहा है, वो कॉस 90 की वैल्यू मांग रहा है। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो तुम कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या बोल दोगे, 0 बोल दो। कॉमन बातें हैं, कॉमन, ऐसी आंख बंद कर नहीं पढ़ सकते, आपको पूरी की पूरी पढ़ाई बेटा प्लानिंग से करनी पड़ेगी। तो पहले जो जो चीजें हमें चाहिए ना उनको जरा बढ़िया से कर लो। तो 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2, 60 डिग्री कैसे बनाओगे आप, पाई यानी 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दो, 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा, यानी पाई को किससे डिवाइड करना चाहिए, 3 से,
ये याद ही कर लेने हैं यार, वहां कौन निकालता रहेगा। अब यही तो सिखा रहा हूं कि सारा साल का टंटा खत्म हो जाएगा अगर याद धीरे धीरे हो जाएंगे तो। पाई बाय 3, 45, 90 को 2 से डिवाइड कर दो, 45 आ जाएगा, यानी पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे ही पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और ये तो फिर 0 ही है ना। तो यहां पे कुछ एक बातें एंगल के बारे में, एंगल की यूनिट के बारे में, रेडियन के बारे में पता होनी चाहिए भाई। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, सबसे पहले क्या टेकअप करना पड़ गया, एंगल ही टेकअप करना पड़ गया। अब एंगल टेकअप करना ही पड़ेगा, एंगल की यूनिट नहीं पता थी देखो तुम्हें रेडियन वाली, अब जिसको पता थी बहुत बढ़िया बात है, वैसे नहीं पता होती 10th तक। तो एक तो रेडियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया या होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत होगी तो बताना लाइव क्लास में। ओके, अब आते हैं वापस किस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला था वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का, जितना आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है अब उसको तो रिपीट करने का फायदा कोई है नहीं है, वेस्टेज ऑफ क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। हम सीधा काम की बात पे आते हैं, थोड़ा सा लेवल उठाते हैं कि अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल आपका 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। क्या बोला हमने, एंगल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी जा सकता है। 10th क्लास में हमें 0 से 90 तक ही सिखाया गया है या 90 तक ही सिखाया जाता है। आगे की बात 11th क्लास में मैथ्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे, वहां के पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ही बात मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बेटा जो एंगल है ना अपना, एंगल यानी कि थीटा, रीटा का भाई थीटा, तो जो अपना एंगल है ना रीटा का भाई यानी थीटा, वो यार 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। एंगल जो है वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 250 हो सकता है, 251 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। 20 हो सकता है, 29 हो सकता है, 29.5 हो सकता है, 92 हो सकता है, 102 हो सकता है, कुछ भी। 272 हो सकता है, 359.9 हो सकता है, कुछ भी। अगर कुछ भी हो सकता है तो साइन की वैल्यू भी फिर कुछ भी हो सकती है। साइन 90 तक की लिमिट नहीं है, साइन 90 के पास साइन 91 की भी वैल्यू होती है, साइन 93 की भी वैल्यू होती है, साइन 95 की भी होती है। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है, तो हो सकती है। ओके, अब मैं इसको दूसरे अंदाज में बोलूं तो मैं बोलूंगा यार एंगल 0 रेडियन से लेकर 2π रेडियन तक कुछ भी हो सकता है। अब मुझे तो ऐसे ही में वैसे ज्यादा बात करनी चाहिए, आम बोलचाल में डिग्री चलता है लेकिन किताबों शिताबों में रेडियन चलता है। तो एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री कह लो या 0 से लेकर 2π रेडियन तक कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना बेटा एंगल की, ध्यान देना बड़ी मेन बातें आ रही हैं अब। एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं बेटा। इसको कहते हैं अगर 0 से 90 तक एंगल जा रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये वर्ड कहां से आ गया, क्वार्टर से। क्वार्टर मतलब 1/4। अब ये टोटल जो एंगल है 360 डिग्री, इसके 4 हिस्से कर दिए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे चलती है चक्की एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही जाना है, ऐसे नहीं जाना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई, चक्की ऐसे चलानी है, तो इधर से आएंगे, उल्टा नहीं चलाना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, 4 हिस्सों में बांट देना पूरे एंगल को। इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका
जीरो से लेकर 90 डिग्री तक जाएगा, या कह लो जीरो से लेकर पाई बाय टू रेडियन तक जाएगा। वो देखो 90 का मतलब पाई बाय टू लिखा हुआ बोर्ड पर। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ओके जी, अगर आपका एंगल 90 क्रॉस कर गया और 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में, तो इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट। ओके, 90 से 180 का मतलब पाई बाय टू से लेकर पाई रेडियन। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से लेकर, 180 में बेटा 90 और ऐड कर दो, 180 में यहां तक 180 था, 90 और ऐड कर दो, 270 हो जाएगा। ओके, 180 का मतलब था पाई, ये पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 करके देख लेना, पाई बाय 2 का मतलब 90 इंटू 3 270 आ जाएगा। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका वो होगा 270 से लेकर 360 डिग्री तक, या फिर 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक। बात को समझो, पहले तो एंगल्स लगाने सीखो। चार हिस्सों में बांटना है, चार क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी फिर तो वैसे ही आता होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं फर्स्ट डे किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो से स्टार्ट कर दिया। तो जीरो से स्टार्ट किया है बेटा हमने, सब कुछ कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं जी। अब अगली बार यहां हम लिखेंगे ए एस टी सी, याद रखना ए एस टी सी, ए एस टी सी। पहले क्वाड्रेंट में ए लिखना है, दूसरे क्वाड्रेंट में एस लिखना है, तीसरे में टी लिखना है, चौथे में सी लिखना है। वैसे तो याद रखने के लिए किताबों में लिखा होता है कि इसको लिख लो एड शुगर टू कॉफी। ओके, ये याद रहता है बच्चे को। ए एस टी सी। अब ए एस टी सी, ए एस टी सी में ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, टी का मतलब है टेन, और सी का मतलब है कॉस। ओके, साइन और उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकल कोसाइन, टेन और उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉस और उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकल सेकेंड। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इस डायग्राम में ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब अगर आपका एंगल जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। ऑल का मतलब साइन कॉस टेन कोसाइन कॉट सेकेंड सब पॉजिटिव। अगर एंगल जीरो से 90 डिग्री के बीच में चल रहा है, जैसे 30 डिग्री चल रहा है, अब बेटा 30 डिग्री चल रहा है तो चाहे साइन 30 कैलकुलेट करो, चाहे कॉस 30 कैलकुलेट करो, टेन 30 कैलकुलेट करो, उनके रेसिप्रोकल्स का 30 डिग्री कैलकुलेट करो, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 49 डिग्री ले लो, वो जीरो से 90 के बीच में आ रहा है ना, 22 डिग्री ले लो, 89 डिग्री ले लो, पूरा पूरा 90 ले लो, अगर एंगल जीरो से 90 डिग्री के बीच में चल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब अगली बात, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल अगर 90 क्रॉस कर गया लेकिन 180 से नीचे, तो सिर्फ साइन पॉजिटिव। एस फॉर क्या है? साइन है, या उसका उल्टा कोसाइन है। इसमें ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखा था ना, तो मतलब ओनली साइन एंड कोसाइन विल गिव पॉजिटिव वैल्यूज,
बाकी नेगेटिव देंगे। मतलब अगर एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में चल रहा है, मान लो एंगल 120 डिग्री चल रहा है, 120 डिग्री, तो अगर 120 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव आ जाएगा। साइन का उल्टा कोसाइन है, कोसाइन 120 डिग्री भी पॉजिटिव आ जाएगा, मगर कॉस 120 डिग्री नेगेटिव आएगा, टेन 120 डिग्री नेगेटिव आएगा। साइन और कोसाइन पॉजिटिव वैल्यू देंगे 90 से 180 के बीच में भी, यहां तो सारे पॉजिटिव दे रहे थे, उम्मीद है समझ में लग गया होगा। अगली बात, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में चले गए भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, यानी एंगल 180 क्रॉस कर गया, एंगल 220 हो गया, मान लो 180 और 200 के बीच में। अब अगर एंगल 180 और 270 के बीच में, 220 एग्जांपल, तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, टेन 220 पॉजिटिव आएगा, टेन का उल्टा कॉट 220 पॉजिटिव आएगा, साइन 220 नेगेटिव आ जाएगा, कॉस 220 नेगेटिव आ जाएगा। साइन का जो उल्टा था, रेसिप्रोकल कोसेकेंट, और उधर कॉस का उल्टा सीकेंट, वो भी क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। यानी इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव वैल्यू देगा, इस क्वाड्रेंट में यानी 270 क्रॉस कर दिया, कॉस पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी सारे क्या दे देंगे, नेगेटिव वैल्यू दे देंगे। तो इसका मीनिंग ये है जी, क्वाड्रेंट का चक्कर। ओके, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार। आपको कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए या निकालनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि लिखोगे तभी सारी की सारी चीजें सही बैठेंगी ना। अब यही है भैया 11th क्लास के लेवल की थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में बहुत बढ़िया सिखाएंगे, मैथ्स वाले जितना सिखा देंगे उतना थोड़ी सिखाऊंगा मैं, लेकिन हाँ इतना सिखा दूंगा कि फिजिक्स में जब कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा कि यार जब वहां से देखते हैं वहां से देखते हैं, आपको खुद को बताऊंगी। ओके जी, एक तो कब कहाँ किसी की पॉजिटिव वैल्यू आनी है, कब कहाँ किसी की नेगेटिव वैल्यू आनी है, ये आपको एन क्लियर होना चाहिए। अब एक बात जो आप और नोट कर लो, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं उनको थोड़ा सा नोट करना, फिर उसके बाद आपको साइन 120 कॉस 120 इन सब चीजों की वैल्यूज निकालनी भी सिखाते हैं। ओके, नोट करना जी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, पढ़ा होगा 10th क्लास में ये, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ज्यादा यूज यही करेंगे हम, साइन कॉस से अपना काम चलेगा बढ़िया, फिर भी चलो लिख दिया टेन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ओके, ये याद रखनी है। ओके जी, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम है। अच्छा, ये जितने भी थीटा लिखूंगा मैं, जो थीटा की वैल्यू ली जाती है ना, थीटा की वैल्यू इनमें, ये सारी की सारी मान के चलो ये लेस देन 90 डिग्री ले रहा हूं मैं। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, 90 से कम यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पहला, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई टेंशन ही नहीं है हमें। तो एक ये बात 10th क्लास में पता ही थी तुम्हें, अब जो एक बात याद रखनी है आपने, वो याद रखनी है कि अगर कहीं मिल गया साइन 90 प्लस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा, या कभी मिल गया टेन 90 प्लस थीटा, ध्यान देना भाई, अगर कभी मिल गया साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, भाई कुछ ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा भी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, टेन 90 प्लस थीटा भी क्या आएगा,
कॉट थीटा ही आएगा, सेम ही आएंगे। अब फर्क क्या है बेटा? फर्क पॉजिटिव नेगेटिव का पड़ जाएगा। ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अब ये एंगल है ना 90 प्लस थीटा है, थीटा मैंने बोला 90 से कम रखना है, यानी ओवरऑल ये 180 से कम ही है। ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है। सारे कौन से एंगल हैं जी? आपके सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये है तो साइन ना, है तो साइन, एंगल 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अब इसको देखना, ये कॉस है और एंगल है 90 प्लस थीटा, थीटा 90 से कम रखते हैं, यानी 180 से पार तो जाना नहीं है। तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कॉस एंगल 90 से ज्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये कॉस है, कॉस कॉस 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा करना ही करना है, लेकिन यहां क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस नेगेटिव। फिर से सोचो, नहीं समझ में लगा मैं बोल रहा हूं, यू कैन रेज डाउट्स, कल लाइव क्लासेस में अपने डाउट रेज करते रहना। कॉस 90 प्लस थीटा, भैया कॉस है, एंगल 90 से ऊपर है, लिखना तो इसको कॉस का साइन करने ही करना है, 90 यूज कर रहे हो, लेकिन कॉस था ना, 90 से ऊपर था ना एंगल, तो रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, याद रखना है। अगली बात, अगर टैन है, अब ये 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, कॉट होना ही है। अच्छा, टैन 90 प्लस थीटा भी कॉट होना है, टैन 90 माइनस थीटा भी कॉट होना है। फर्क क्या है? ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है मतलब टैन नेगेटिव होता है। तो टैन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो ध्यान रखना, साइन कॉस टैन में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा वाली चाली यूज हो रही है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन करते हैं, लेकिन प्लस और माइनस लगाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ओके, अब इसके साथ एक बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं करानी कि तुम लोग कमले हो जाओ, इतनी करानी है कि वैल्यू वैल्यू याद करनी आपको क्या हो जाए, इजी हो जाए। कुछ एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, हर पल याद होनी चाहिए, पल पल याद होनी चाहिए, पल पल दिल के पास होनी चाहिए। तो कुछ वैल्यूज बहुत जरूरी है, वो याद होनी चाहिए। ओके, अब एक और चीज सीखो, अगर कहीं लिखा हुआ साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा या टेन 180 माइनस थीटा, ओके, या लिखा हो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा लिखाओ। मान लो अब अगर लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, तो भैया 90 90 90 90 90 90 प्लस हो या माइनस, तो साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है, टेन का कॉट करना है, कॉट का टेन करना है। लेकिन अगर 180 है, 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, साइन का साइन ही रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है, टेन का टेन ही रखना है। ओके, ऐसे ही
चाहे यार प्लस हो माइनस हो 180 हो गया ना, तो साइन का साइन ही रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है, टेन का टेन ही रखना है। यार अगर 90 यूज हो रहे थे, 90 माइनस या 90 प्लस, दोनों में साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है, टेन का कोट, कोट का टेन। अगर 180 वाला यूज कर रहा हूं, साइन 180 माइनस या प्लस, माइनस हो या प्लस हो, साइन को साइन ही करना है, कॉस को कॉस ही रखना है। अब पंगा है कि पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, नेगेटिव वैल्यू कब आएगी। बेटा 180 माइनस थीटा चल रहा है, माइनस थीटा यानी 180 से कम है लेकिन 90 से बड़ा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट थे, ये सारे सेकेंड थे, अब ये सेकेंड है और ये कौन से है, 180 से ऊपर चले गया थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ऊपर चले गया मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। तो ध्यान देना, पहली बात याद रखो, 180 यूज करो, साइन का साइन था, कॉस का कॉस था, टेन का टेन था, साइन 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन है ना, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड है तो कॉस ना, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चलता है, ये नेगेटिव आएगा, ये टेन वाला भी नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। उम्मीद है सारी बातें समझ में लग गई होंगी, बढ़िया से समझ लो इन चीजों को, बहुत बहुत जरूरी वाली चीजें हैं। अब इस पे रिलेटेड जल्दी से आपको एक आधा क्वेश्चन करा देते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा। मान लो लिखो कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यू नीड वैल्यू ऑफ कॉस 120, बड़ी जरूरी वैल्यू है यार, कॉस 120 तो बस ये लगा लो, अभी बताऊंगा, रट लो उसको, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू तो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको वैसे रट लेना कुछ दिनों बाद, एक महीने बाद, क्योंकि पहला चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड वाला है ना, वो तो ऐसी कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा, लेकिन लगभग एक महीने बाद ये कॉस 120 तो रोज आएगा, रोज कॉस 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, तो इनकी वैल्यू अभी सिखा रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है, अभी थोड़े से सिखा दे रहे हैं, याद कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने तुमसे बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री, अब यार कॉस 120 डिग्री मुझे पता नहीं है, मैंने इसको कॉस 90 प्लस 30 डिग्री लिख दिया, ओके, क्या लिख दिया, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। अब जब मैंने इसको लिख दिया कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस वाले में ढूंढो 90 प्लस 30 का है, कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कॉस 120 कॉस 90 प्लस 30 हुआ, और कॉस 90 प्लस 30 थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस साइन 30 डिग्री हो गया, और तुम्हें पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, मतलब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 आ गई, बेटा याद कर लो, याद ही कर लो भाई, बहुत काम आएगी। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, कैसे निकली वो बता दिया। अच्छा, इसी कॉस 120 को अगर मैं दूसरे तरीके से निकाल दूं, 180 वाले मेथड से निकालूं, तो 120 को मैं 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस 60 120 आएगा।
अब कॉस 120 माइनस थीटा, देखो कॉस 180 माइनस थीटा कहां है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, थीटा 60 डिग्री चल रहा है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी माइनस 1/2 होती है। तो यहां से भी अगर मैं निकालता हूं तो कॉस 120 डिग्री कितना आता है, माइनस 1/2 ही आता है। तो जैसे मर्जी निकालो, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2, याद रख लो, याद रख लो। एक और निकाल के देख लो, मान लो मुझे साइन 120 डिग्री चाहिए, साइन 120 डिग्री कोई एक यूज कर लो, अब दो दो बार मैं नहीं यूज करूंगा, मैं एक यूज करूंगा, जैसे मैंने इसमें 90 वाला भी यूज कर लिया, 180 वाला भी यूज कर लिया, जो मर्जी यूज करो, लेकिन साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सारा खेल ही साइन का। साइन 120 को मैं 90 वाले केस से करता हूं, मैंने साइन 120 को लिखा साइन 90 प्लस 30, लिख सकता हूं ना, 120 को तोड़ के लिख दिया 90 प्लस 30, ओके ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा चेक करो कहां है, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा, ये आ गया कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 1/2, कॉस 30 की वैल्यू मेरे ख्याल से √3/2 होती है। तो इस हिसाब से साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ गई। क्वाड्रेंट कौन सा है, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या चलना था, पॉजिटिव चलना था। जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो भाई, जिसकी मर्जी वैल्यू निकालो, टेन की निकालो, साइन की निकालो, कॉस की निकालो, लेकिन कॉस साइन की कुछ वैल्यूज हैं वो लगा लो कि आपको चाहिए ही होंगी, जरूरत पड़ती रहेगी। अभी बातों बातों में कॉस 120 साइन 120 निकाल रही, एक और निकाल लेते हैं। मान लो मैंने साइन 150 निकालना है, अब साइन 150 को 90 प्लस 60 लिखा जा सकता है, चेक कर लो भैया मैं गलत ना कर दूं कैलकुलेशन, 90 प्लस 60 लिखा जा सकता है, तो हो गया 90 प्लस 60, ये किसके इक्वल आया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई बेटा। साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। तो साइन 150 कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसी क्या निकाल सकते हो, कॉस 150 निकाल लो यार। मान लो तुमने कॉस 150 डिग्री निकाला, अब कॉस 150 डिग्री की वैल्यू, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू लिखो साइन, सॉरी कॉस 150 को कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 60, ओके तो कॉस 150 को कॉस 90 प्लस 60 लिख दिया। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इस हिसाब से कॉस 150 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2। भाई याद कर लेना, कल की क्लास में पूछूंगा सब चीजें, कल की क्लास में हर एक चीज पूछी जाएगी, तो इसको अच्छे से क्या कर लो, कम से कम ये चार वैल्यूज तो याद कर लो ना, कम से कम इन चार वैल्यूज को क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज वगैरह बेटा जी निकाली जाती हैं, कुछ इस मेथड से हमें वैल्यूज वगैरह निकाली जाएंगी या बताई जाएंगी, मतलब ये याद ही करनी है, ये वैल्यूज क्या करनी है आपको याद, एक तो निकालनी सिखा दी, चलो कभी वैसी आ जाए तो सीख लेना,
ओके। उसके अलावा ये याद भी रहनी चाहिए, ये याद भी रहनी चाहिए, जैसे 120 डिग्री 150 डिग्री, चलो आपके डाटाबेस में हमने क्या ऐड कर दिया, 150 120 डिग्री ऐड कर दिया, 90 पता था, उससे पहले 60 पता था, उससे पहले 45 पता था, 90 से ऊपर वाली वैल्यूज हमें सारी नहीं पता थी। आपके डाटाबेस में हमने दो वैल्यूज और ऐड कर दी, साइन और कॉस की, कौन कौन सी, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री, ये रेटियो ही होनी चाहिए। दो वैल्यूज और जो आम तौर पे 120 150 आम यूज होती हैं, एक तो निकालना सीखा, एक उसको किया, दो वैल्यूज और हैं जो आम तौर पे यूज होती हैं, वो भी आपको बताते हैं। बस ये लगा लो कि कल तक आपके माइंड में ये चार पांच वैल्यूज जो है ना, ये वैसे ही आपको रट जानी चाहिए, या कह लो रटी हुई ही होनी चाहिए। ओके, दो वैल्यूज और है, बहुत यूज होंगी यार, एक है 53 डिग्री और एक है 57 डिग्री, साइन कॉस टेन की वैल्यू यूज होगी, कौन सी, 53 डिग्री एंड 57 डिग्री, 53 एंड 57 नहीं यार, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, ओके गलत बोल गया मैं, ये दो वैल्यू याद रखनी है, 37 और 53 डिग्री, ये दो वैल्यूज आम, तो इन दोनों का सम करो ना भाई, 90 आना चाहिए, इन दोनों का सम कर लो तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तीन इसको दिया 40 हो गए, 40 50 90 हो गए, ओके, वो 57 कन्फ्यूजन में बोल दिया मैंने, तो दो एंगल है 53 और 37 डिग्री, ये बड़े काम की वैल्यूज हैं, इनकी भी वैल्यू वैसे ही रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा ये रट नहीं पाओगे, मैं सिखा देता हूं इसको, मान लो ये एक राइट ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है भाई, राइट ट्रायंगल है, ये एंगल को थीटा है, ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा ही होगा, ये तुम्हें पता है परपेंडिकुलर है, ओके ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। यार अगर ये तीन है, अगर ये चार है, तो आप करके देख लो, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, पांच आ जाएगी, ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये तीन है, मतलब इसकी वैल्यू तीन है, 3 सेंटीमीटर हो, 3 मीटर हो, 3 किलोमीटर हो, जो मर्जी हो, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 5 आएगा ही आएगा, पाइथागोरस लगा के देख लो, पाइथागोरस आएगा ही आएगा, अगर ये 30 है, 40 है, ये 50 आएगा, अगर ये 300 है, ये 400 है, ये 500 आएगा, 3 4 5 याद रखो, 3 4 5 ओके, क्या याद कर लिया तुमने, 3 4 5 याद कर लिया। अब इस 3 4 5 वाले में ये 90 डिग्री है, याद रखना 3 के सामने वाला हमेशा 37 डिग्री आएगा और 4 के सामने वाला हमेशा 53 डिग्री आएगा, याद कर लो, बस याद ही कर लो कि 3 4 5 में 3 के सामने वाला 37 डिग्री है, छोटे के सामने वाला छोटा है, बड़े के सामने वाला बड़ा है, 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3, तो 2 तो है, एक छोटा एक बड़ा है, याद रखने का तरीका 3 4 5, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53, 90 डिग्री तो है ही फिर, ओके। मतलब क्या निकला, साइन 37 डिग्री अगर कभी मांग ले तो समझ लेना 37 मांगा तो 3 4 5 से निकलेगा, 53 मांगा तो भी 3 4 5 से निकलेगा, तो 3 के सामने वाला 37 था, कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, यार कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू, ये 37 है तो बेस होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज 4/5, टेन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 3/4, या कभी साइन 53 डिग्री मांगेगा, कॉस 53 डिग्री मांगेगा, या फिर टेन 53 डिग्री मांगेगा, तो अगर आपने 53 डिग्री को एंगल मांगा है
तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, इसको बेस माना जाएगा। पता है आपको कि अगर फिफ्टी थ्री डिग्री यहां पे आ गया तो इसके सामने वाला 53 के सामने वाला 4 है और ये 37 हो जाएगा, 37 के सामने वाला 3 है, फिर ये तो 5 ही रहना है। तो अगर इसके हिसाब से देखो तो ये बेस हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर साइन 53 डिग्री मांगता, साइन 53, तो ये क्या होता, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 4/5, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5 हो जाएगा। कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये 3/5 हो जाएगा, और टेन 53 डिग्री ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी 4/3 हो जाएगा। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए आपको, ये वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, इसके अलावा जो वैल्यूज याद होनी चाहिए वो 180 डिग्री की याद होनी चाहिए, 180 डिग्री की। तो जैसे साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये भी याद होना चाहिए। साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, याद होना चाहिए। तो ऐसी कई वैल्यूज हैं जो आपको टेंथ में याद थी। ओके, बहुत ज्यादा बता दूंगा तो फिर वही बात, कमले हो जाओगे। तो हमने आपको अभी कमले तो नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे चीजें सारी की सारी सिखा दी जाएंगी, धीरे धीरे सारी चीजें आपको सिखा दी जाएंगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं जी, जैसे आप टेंथ क्लास में एक टेबल याद करते हो ना, टेबल उसमें ये वैल्यू भर देते हैं, ऐसे ही भाई आपको इलेवेंथ क्लास में भी एक टेबल याद कर लेना है, अपनी कॉपी में ये टेबल आप बनाओगे। ओके, एक साइड पे एंगल्स लिखोगे, ओके, और एक साइड पे साइन लिखोगे, एक साइड पे कॉस लिख दोगे, और एक साइड पे टेन लिख लोगे। ओके, तो यहां हमने लिखा एंगल्स, यहां पे क्या लिख दिया साइन, आगे लिखेंगे कॉस। एक टेबल है ये, हर 11वीं के बच्चे को जिसने मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लिया वैसे ही रटा हुआ होना चाहिए। यहां पे क्या लिखते हैं हम, साइन की वैल्यू लिख लो, यहां पे कॉस की, यहां पे किसकी, टेन की, बाकी अपने आप बनी जाती होती हैं। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, सबसे पहले कौन सी वैल्यू चाहिए यार, 0 की, फिर कौन सी वैल्यू चाहिए, 0 के यार 30 डिग्री के बाद कौन सी, अभी अभी मैंने सिखाई 37 डिग्री। ओके जी, 37 के बाद जो आपको हर पल 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 याद होनी चाहिए वो है 53 डिग्री। उसके बाद जो अगली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वो है, नहीं 53 से पहले एक 45 मिस कर गए, वो तो पहले याद थी 45, 53, 53 के बाद याद कौन सी करोगे आप, 60 डिग्री। उसके बाद कौन सी चाहिए तुम्हें 60 के बाद, नहीं और भी बहुत चाहिए लेकिन ये तो वैसे याद होनी चाहिए, 90 डिग्री। 90 के बाद हमने एक निकाली थी 120 डिग्री। ओके जी, 120 डिग्री के बाद अपनी आ गई थी एक 150 डिग्री। 150 डिग्री के बाद मैंने बोला एक चलो और याद कर लेना 180 डिग्री। अब कुछ एडिशन कर दी हमने, आपके पास जो भी वैल्यूज पहले आपने टेंथ क्लास तक याद रखी हुई हैं उसमें हमने कुछ क्या कर दी,
एडिशन कर दी, अब साइन जीरो 37, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन 30 कितनी 1/2, साइन 37 कितनी 3/5, 45 कितनी 1/√2, भाई मैं गलत ना लिखवा दूं, गलत भी लिखवा सकता हूं, साइन 53 डिग्री, ये 4/5, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ओके, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी √3/2 आई थी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू प्लस √3/2 आई थी, साइन 150 की वैल्यू -1/2, साइन 180 की वैल्यू 0, अगर मैंने गलती शलती कर दी हो तो माफ कर देना, करेक्ट कर लेना, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 53 की वैल्यू 3/5, 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 0, कॉस 120 -1/2, कॉस 150 -√3/2, कॉस 180 -1 -1, टेन किया डिवाइड कर 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 अपने आप ही निकाल लोगे, क्या दिक्कत है, ये जीरो हो जाएगी, इसमें से टू से टू कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं ये कहां से 1 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 हो जाएगी, 37 कितना आया था 3/4, बिल्कुल सही आ गया, 45 की वैल्यू 1 होगी, 53 की वैल्यू 5 से 5 कट जाएगा 4/3 आ जाएगा, 53, 4/3 बिल्कुल सही, ये कट के √3 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी तो पता ही होगा, अगर किसी भी चीज के नीचे जीरो आ गया तो इसका मतलब, अगर ये नीचे जीरो आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, वहां आप इसको नॉट डिफाइंड कहते थे पहले, अब हम इसको इनफाइनाइट कहा करेंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई भी अंत ना हो, इनफाइनाइट अनंत, खत्म ही नहीं होगी कभी, ये काट दो ये -√3 हो जाएगा, ये भी काट दो ये √1/√3 हो जाएगा, ये 0/-1 जीरो ही रहेगा, अब आप चेक कर सकते हो, कम से कम ये वैल्यूज तो आपको, कम से कम बोला, ये वैल्यूज तो आपको याद होनी ही चाहिए, तो ये वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री करते 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 देखो बात सी बन गई, एक लास्ट बात ट्रिग्नोमेट्री में जो करनी है वो भी कर ही देते हैं यार, साइन और कॉस का ना ग्राफ बड़ा आता है, साइन और कॉस का जितनी बातें हमने कर ली उस पे बेस एक और बात करते हैं कि साइन और कॉस का ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, वो भी बना देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला मामला खत्म, एक आधी बार रिवाइज करना, काम में आएंगे ये बातें, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कंसेप्ट है वो देखना, काम में आएगा, अगर हम ग्राफ बनाए ना साइन और कॉस का, तो बेटा साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है जी, याद रखना, ओके, ये बराबर होनी चाहिए, कम ज्यादा बन गई हो बड़ी छोटी तो देख लेना बेटा, ये साइन की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, इधर को क्या प्लॉट किया मैंने, थीटा यानी एंगल प्लॉट किया, ये 0 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना 0 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये हो गया 180 डिग्री,
ये यहां पर आ गया 270 डिग्री और यहां पर 360 डिग्री, ओके। जीरो डिग्री को जीरो रेडियन भी लिख सकती है। 90 डिग्री आपको पता है पाई बाय टू रेडियन होगा, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होगा, 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियन होगा, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन होगा, ओके जी। अब ये ग्राफ ये कह रहा है कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये धीरे 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 बढ़ती है और साइन 90 पर आकर मैक्सिमम हो जाती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1 है। साइन 90 की वैल्यू कितनी है जी? 1 है। 90 पे आके ये मैक्सिमम हो जाती है। 90 से ज्यादा एंगल करोगे यानी दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो साइन की वैल्यू फिर कम होनी शुरू हो जाती है, कम होते 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 180 पे जाके साइन की वैल्यू फिर जीरो हो जाती है, यानी 180 पे जाकर साइन की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, ओके। यहां पे गड़बड़ कर रखी है हमने, साइन 150 जो है वो 1/2 होना है। साइन भाई सेकंड क्वाड्रेंट में 150 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो साइन 150 की वैल्यू 1/2 तो ठीक है, लेकिन कैसी आनी चाहिए थी? पॉजिटिव आनी चाहिए थी। ये सही है, ये नेगेटिव है, ये सही है। तो साइन की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम होती है, 180 पे फिर से क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या होनी शुरू हो जाती है? नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। 270 पे जाके साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, ओके। तो जो साइन की वैल्यू है 90 पे 1 है, 1, और 270 डिग्री पे ये -1 है। कहने का मतलब जो साइन है ना, साइन थीटा, वो 1 और -1 के बीच में अपने आप को क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है। इट रिपीट इटसेल्फ बिटवीन 1 एंड -1। 0 से 1 जाएगा, फिर -1 जाएगा, फिर से 0 होगा, फिर 1 जाएगा, फिर -1 जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये साइन का ग्राफ है यार। साइन 90 पे 1 है, साइन 270 पे -1 है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इस टेबल में 2 एंगल और ऐड कर लो। एक यहां पे 270 ऐड कर लेना और एक आगे 360 भी क्या कर लेना, ऐड कर लेना। अब 270 की वैल्यू यहां से देखी गई, साइन 270 की कितनी होती है? -1। और साइन 360 डिग्री की भी कितनी होती है? 0। देखो 180 से आगे की भी 2 वैल्यू दिख गई हमें ग्राफ में, तो वैल्यूज तो बढ़ती जा रही हैं, वो याद हो जाएंगी। साइन 270 कितना? -1। साइन 360 डिग्री कितना? 0, ओके। तो आप उसी टेबल में ऐड करो, 180 के बाद एक कॉलम बना लो, किसका? 270 का बना लो, उससे अगला किसका बना लो? 360 का बना लो। अब साइन 180 तक तो लिखा ही हुआ था, साइन 270 की वैल्यू -1, साइन 360 डिग्री की वैल्यू फिर 0, 0, 1, 0, -1, 0। ये साइन का ग्राफ है। अब कॉस के ग्राफ में देखो, 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 है। 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये 1 से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, कॉस थीटा ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर थीटा है, इस तरफ कॉस थीटा है, तो ये 1 से शुरू करना पड़ेगा मुझे। 1 से कॉस 0, 0 पे 1 है ना, तो ये मुझे शुरू करना पड़ेगा 1 से। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये 0 है, ये फिर वही 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, ये फिर वही 180 डिग्री यानी पाई, ये फिर वही 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाय 2, और ये भी वही यानी कि कितना आ जाएगा? ये 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन। बेटा कॉस का ग्राफ उल्टा चलता है। कॉस 0 की वैल्यू, ये 0 डिग्री है, 1 होती है। कॉस 90 0 हो जाता है,
cos 180 माइनस 1 हो जाता है। cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1, ये माइनस 1 है, ये 1 है, तो साइन की तरह बेटा cos भी 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। ये 1 से शुरू होगा, 0 होगा, माइनस 1 जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, ये 1 और माइनस 1 के बीच में जाता है। साइन भी 1 और माइनस 1 के बीच में जाता है, बस उसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से होती है। बातों बातों में हमें cos 270 भी मिल गया। cos 270 होता है 0, और बातों बातों में हमें 360 डिग्री भी मिल गया। cos वो कितना? 1 होता है। अब ये चीज यहां से क्लियर होनी थी, तो आप इस टेबल को बस ये लगा लो कि मान लोगे, ये तो आपको हर वक्त याद रहना चाहिए। इसमें ये 37, 53, 120, 150, 180 नई चीजें जोड़ी। एक चीज मैं और जोड़ रहा हूं, 270 भी जोड़ लेना, और उसके बाद फिर 360 डिग्री भी जोड़ लेना। इसमें क्या जोड़ लेना? 270 और 360 डिग्री भी जोड़ लेना। यहां पे 270 और 360 डिग्री भी जोड़ लेना। बोर्ड पे ज्यादा कोने में चलेगा, दिखेगा नहीं, वैल्यू भर लेना इसकी। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में इतना बहुत है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो मैथमेटिकल टूल में मैंने बोला था पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा, इतना कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट चैप्टर अपना फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसके बाद मोशन से पहले फिर से हमें मैथमेटिकल टूल पे आना पड़ेगा, वहां पे फिर आपको पढ़ाया जाएगा। मोशन से पहले जब हम मैथमेटिकल टूल पे आएंगे, वहां पे फिर हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।